गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ फूड इज लाइफ इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडी अबाउट गुड फूड उसमें आपने पढ़ा था फूड क्यों जरूरी है ठीक है फ्रॉम वेयर वी ऑबटेन फूड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फूड न्यूट्रिशंस इन फूड फूड प्रिजर्वेशन गुड फूड हैबिट्स एंड जर्नी ऑफ फूड एज वी ऑल नो फूड से हमें एनर्जी मिलती है ठीक है और क्या हम हेल्दी रहते हैं हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं फिट रहते हैं तो वी कैन से फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स इट गिव्स एज एनर्जी टू डू ऑल अवर वर्क एंड कीप अस हेल्दी अब जो हमारा फूड है वो काफ़ी वराइटीज़ में मिलता है मतलब काफ़ी अमाउंट मतलब हमें काफ़ी वरायटीज़ में मिलता है ठीक है जैसे कि हम कुछ को क्या है रॉ भी खा सकते हैं और कुछ को हमें कुक करना पड़ता है रोग कौन आ, ऐसे कौन सा फूड है जिनको हम रोग खा सकते हैं ऐसे कच्चा दैट इज हमारे जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए एप्पल मैंगो ऑरेंजेस ठीक है ये क्या हम इनको कच्चे खा लेते हैं हमें इनको पकाना तो नहीं पड़ता अगर हम कुक की बात करें हम कुकिंग क्यों करते हैं कुकिंग से क्या है जो हमारे फूड में जर्म्स होंगे ठीक है वो मर जाएंगे ठीक है एंड क्या है हमें डिजीज से बचाएंगे वो तो इसीलिए क्या है हम कुक करते हैं एंड कुकिंग से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो क्या हमारे जो फूड में है वो एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करता है ठीक है जिससे क्या हमें फूड और भी टेस्टी लगता है एंड खाने को क्या है हमें ओवर कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके जो न्यूट्रिशंस होंगे वो क्या किल हो जाएंगे जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा ठीक है इसलिए क्या हम फूड को कुक करते हैं उसके जो जर्म्स हो वो मर जाए एंड हमें डिजीज से बचाएं नाउ कम्स न्यूट्रिशंस इन फूड हमारे खाने में जो भी हम खाना लेते हैं उसमें क्या न्यूट्रिशन्स होते हैं कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं एंड कुछ हमारी हेल्प करते हैं ग्रो करने में हेयर वी कैन सी जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं वो क्या फाइव टाइप्स के हैं उसमें कौन कौन से आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन एंड मिनरल्स तो इनको क्या है हम डिस्कस करेंगे हमारा जो खाना होता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की प्रॉपर अमाउंट में जरूरत होती है ठीक है तो हम क्या है इसको जो हमारी राइट अमाउंट होगी हम उसी में लेंगे इनको एंड नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन फर्स्ट वन है सॉरी uh, इसमें अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट एंड रफेज अ डाइट विच हैज द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दिज न्यूट्रिशंस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट हमारी जो डाइट होती है उसमें क्या है सभी न्यूट्रिशंस की प्रॉपर अमाउंट हो उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशंस न्यूट्रीशियन से अलग हमारे पास जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या है हमारे वाटर भी होता है एंड रफेज भी होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे देन कम्स न्यूट्रीशन इन फूड फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमें एनर्जी देते हैं इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट्स गिव अज एनर्जी दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड ये क्या है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड होंगे ये हमें क्या है शुगर या फिर हमें स्टार्ची फूड में से मिलेंगे ठीक है अब जैसे काफ़ी लोग जो है वो फिजिकल वर्क करते हैं ठीक है उनको क्या है काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो ही हमें एनर्जी देगा तो अब हम देखते हैं हमारे सोर्सेज कौन कौन से होंगे हमारे एग्जांपल कौन कौन से होंगे जहाँ से क्या है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा राइस पोटैटो व्हीट मेज कंटेन लोड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन चीजों से क्या है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा देन कम्स फैट्स फैट्स गिवअ मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स अब हमें यहां से क्या पता चल रहा है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी हमें एनर्जी देते हैं एंड जो हमारे फैट्स हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं लेकिन जो हमारे फैट्स है वो क्या है हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट से फ्रॉम अ लेअर बिन इथ अ स्किन एंड कीप द बॉडी वॉम हमारी बॉडी को वॉम रखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स घी एंड बटर आर रिच सोर्स ऑफ फैट इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ऑयल हो गया घी बटर ये क्या है हमारी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फैट मिलता है एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट रहेगा वो क्या है स्टोर रहेगा ठीक है जब भी हमने सपोज हमने कुछ खाया नहीं है जो एक्स्ट्रा फैट है वो क्या हमारे काम में हेल्प करेगा हम जो भी वर्क कर रहे हैं ठीक है तब उस टाइम पे हमें जो एनर्जी मिलेगी वो हमें एक्स्ट्रा फैट से एनर्जी मिलेगी नट्स सच एज आलमंड्स कैशो नट्स एंड ग्राउंड नट्स ऑल्सो कंटेन मोर फैट्स जो हमारे बादाम काजू ये होते हैं ठीक है इनसे क्या है हमें फैट ज्यादा फैट मिलेगा और हम कह सकते हैं कि जो एक्सेसिव इनटेक लेंगे हम फैटी फूड की उस वजह से क्या है हमें ओबेसिटी हो सकती है ठीक है मोटापा भी आ सकता है तो क्या है हमें एक राइट uh, अमाउंट right में ही इनकी इनटेक करनी चाहिए देन कम्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रीशंट्स हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रीशेंट ये क्या हमारी हेल्प करते हैं बॉडी के ग्रोथ में ठीक है एंड जो हमारे डैमेज uh, टिशू या फिर सेल्स होते हैं बॉडी के उनकी रिपेयर करते हैं हमें कहाँ से मिलेगा प्रोटीन्स एग मिल्क फिश नट्स बीन्स एंड चीज इन सभी से क्या हमें प्रोटीन मिलेगा ये क्या हमारे प्रोटीन रिच फूड है देन कम्स विटामिन एंड मिनरल्स विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस बोलते हैं इनको हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस क्यों कहते हैं दे हेल्प अ बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज़ ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं ये क्या हमारी हेल्प करते हैं जो हमारी डिजीज है उनके अगेंस्ट फाइट करने में ठीक है इसलिए क्या हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अर बॉडी अगेंस्ट डिजीज हमारे हेल्प करते हैं डिजीज के अंगेंस्ट लड़ने में ठीक है इसलिए हम इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस बोलते हैं ये जो हमारे विटामिन एंड मिनरल्स है इनके क्या हमें स्मॉल ही सफिशेंट रहती है फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ मिनरल्स क्या है हमारे टीथ एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ठीक है उनमें हमारा जो आयरन एंड कैल्शियम है आर टू इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फूड आइटम्स सच एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनज एंड फ्रूट सच एस एप्पल एंड बनाना आर रिच सोर्स ऑफ विरियस विटामिन एंड मिनरल्स हमारे जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं हमारे ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स है या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जो फ्रूट्स एप्पल एंड बनाना हो गए यहाँ से क्या हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल सकते हैं ठीक है तो ये क्या हमें हाई अमाउंट uh, मतलब हमारे हमें डेली इन टेक लेनी चाहिए इनकी देन कम्स वाटर एंड रफेज दो वाटर एंड रफेज डू नॉट एड एनी न्यूट्रिशंस टू अर बॉडी बट दे आर इसेंशियल फॉर आर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हमारा वाटर एंड रफेज हमारे न्यूट्रिशंस में काउंट नहीं होते हैं ठीक है उनमें एड नहीं होते हैं बट स्टिल ये क्या हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है अब हम वॉटर की बात करें वॉटर मेक्स अप नियरली सेवेंटी परसेंट ऑफ अ बॉडी वेट हमारा जो वाटर है हमारी जो बॉडी में सेवेंटी परसेंट तक वाटर होता है ठीक है वाटर क्या है हमें हेल्प करता है टू डाइजेस्ट अ बॉडी सॉरी फूड वाटर जो है हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में एंड आल्सो रिमूव करता है वेस्ट को हमारी बॉडी से इधर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट ठीक है और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन तो ये क्या है हमारे जो न्यूट्रिशंस हो गए उनको क्या हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है हमें क्या डेली एट टू टेन ग्लास वाटर की इनटेक करनी चाहिए ताकि हम क्या है फिट एंड हेल्दी रहें देन कम्स रफिज रफिज इज अ फाइबर इन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट वी ईट रफिज क्या है जो फाइबर प्रेजेंट होती है हमारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में जो हम लेते हैं ये क्या है हमारी हेल्प करता है जो भी हमने हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको रिमूव करने में ठीक है जो हमारी गुड अमाउंट होगी रफिज की वो क्या हमारी सैलड में होती है देन कम्स इन्ेंसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू हम जो हमारे जो न्यूट्रिशन्स होंगे उनकी वैल्यू को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं सपोज देर आर अ फ्यू मैथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाई विच द न्यूट्रिश न्यूट्रिश वैल्यू ऑफ फूड इज़ इंक्रीज हमारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके क्या हम न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं दैट इज स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन हमारे पास दो मैथड्स हैं स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन स्प्राउटेड ग्रेन्स सचेज ग्राम्स एंड पर्जेस आर रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन्स जब हम स्प्राउटेड ग्रेन्स ग्रेन्स को स्प्राउटेड करते हैं ठीक है इनकी जो विटामिन एंड प्रोटीन्स की अमाउंट होगी वो रिच हो जाएगी ठीक है जो क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छी होगी जैसे हम स्प्राउटिंग करते हैं वैसे हमारे हमारे पास एक मेथड है दैट इज़ फर्मेंटेशन ये क्या है हमारे वैसे न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर देता है खाने में एंड क्या टेस्ट को भी इंक्रीज़ कर देता है अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं इडली का फॉर एग्जांपल इडलीज़ आर मेड